तो फाइनली जो है कि तुम्हारा भाई आ गया है नासिक। हेलो दोस्तों, कैसे हो गेम सब, कैसा है? आई होप आप सब मौज में हो। मैं भी एकदम मौज में हूँ। तो फाइनली आज का सीन कुछ ये है कि मैं जा रहा हूँ नासिक। तो ब्लॉग में आखिरी तक बने रहिए, मजा आएगा। तो लगभग बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ। बहुत सारे मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ब्लॉग के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे मैसेज आए मेरे को, बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे डीएम आए कि जगदीश भाई आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो। क्योंकि मैंने आज से 10-12 दिन पहले एक ब्लॉग बनाया था, तो उसमें मैंने मेरी प्रॉब्लम्स बताई थी। तो उसमें भाई सब आपने इतने सारे कमेंट किए और बहुत सारा सपोर्ट दिया और बहुत सारा प्यार दिया अपना। बहुत सारे दोस्तों ने ये भी बोला कि आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें अपना फ़ोन पे नंबर दे दो, हम कुछ आपकी हेल्प कर देते हैं। लेकिन मैं आप सबको एक ही बात बताना चाहूँगा कि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, बाकी पैसे वगैरह की कुछ ज़रूरत है नहीं। बाकी जो है कि तुम्हारा भाई मैनेज कर लेगा। तो फाइनली मैंने बोला क्यों ना एक, आप सबके इतने सारे कमेंट्स है तो मैंने बोला मैं बोल के नहीं बताऊँगा, रियलिटी बताऊँगा आपको। तो उस ब्लॉग में मैंने बोल के बताया था कि नासिक जो है कि हमारी बहुत सारी गाय है और क्या क्या दिक्कतें आती है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना डायरेक्ट आपको रियलिटी दिखाता हूँ। तो फिर फाइनली मैंने प्लान बनाया कि भाई जाएंगे अभी नासिक। तो 10-12 दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं था अहमदाबाद में। अहमदाबाद में मेरे कुछ शॉर्ट फिल्म के शूट थे और कुछ सॉन्ग के शूट थे। तो पूरे सॉन्ग के और शॉर्ट फिल्म के शूट जो थे वो मैंने कर दिए थे ख़त्म। और फाइनली मैं अभी आज निकल रहा हूँ नासिक। यहाँ का जो कुछ व्यू है वो मैं आपको बता दूँ। और यहाँ पे गुजरात के अंदर अभी मेरे पास कितने गाय है, बहुत सारे दोस्तों को तो पता है, और जो कुछ नए हमारे सब्सक्राइबर है वो अभी नए नए जुड़े हैं, उनको नहीं पता है, तो उनको अभी यहाँ पे जो है वो बता दूँ। फिर बढ़ते हैं आगे। ये देख सकते हो ये वाला जो फार्म है मेरा गुजरात का है। यहाँ पे अभी सिर्फ आप देख सकते हो मेरे पास अभी ये वाली जर्सी गाय जो है ये एक ही है। बाकी यहाँ पे जो है कि गाय नहीं है। आप सबको जो पहले से मेरे ब्लॉग्स आप देखते हो तो उनको पता ही होगा कि मेरे पास पहले यहाँ पे 6 गिर गाय थे, लेकिन वो मैं वापस महाराष्ट्र में जाके छोड़ के आया। पहले महाराष्ट्र से यहाँ पे लेके आया था, यहाँ आने के बाद उनको वातावरण जो है वो मैच नहीं हुआ तो फिर वापस जाके मैंने छोड़ दिया। फिर बाद में यहाँ पे सोच रहा था कि दूसरे लेके आऊँ, लेकिन बाद में मेरे को कुछ टाइम अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी थोड़े बहुत मेरे अहमदाबाद में शूट चालू है। अभी अहमदाबाद यहाँ से पड़ता है मुझे 70-80 किलोमीटर आगे, तो मुझे ज़्यादातर तो शूट जो है पूरे अहमदाबाद में होते हैं, तो उसकी वजह से मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी फाइनली जो है कि माला भाई आ गया है, तो अभी हाँ अभी सोच रहे हैं हम कि हाँ अभी जाके हम गाय लेके आएंगे। लेकिन वो बहुत जल्दी आपको इस फार्म में नए गाय देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन आज जो है कि मैं जा रहा हूँ नासिक। अभी नासिक में कितने दिन रुकने वाला हूँ या हमेशा के लिए रुकने वाला हूँ, यहाँ का जो पूरा काम है माला भाई संभालने वाला है, वो जो है कि वो सब आपको आगे पता चल जाएंगे। तो ब्लॉग में आखिरी तक बने रहिए। अरे तो ये वाली जो जर्सी है वो मेरे ख्याल से अभी 20-25 दिन के अंदर ये वाली जो है वो बच्चा दे देंगी। बहुत सारे दोस्तों की मुझे कमेंट्स थी उस ब्लॉग के नीचे कि जगदीश भाई आप गिर गाय मत रखो, जर्सी रखो बोले, क्योंकि जर्सी गाय को फायदा यह है कि जर्सी गाय जो है वो दूध ज़्यादा देती है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है क्योंकि जर्सी गाय जो है ये 1 टाइम का 12 लीटर दूध देती है और अपनी गिर गाय जो है वो 1 टाइम का देती है 6 लीटर, 5-6 लीटर दूध देती है। तो गिर कम देती है, जर्सी ज़्यादा देती है। लेकिन मुझे जर्सी जो गाय है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसकी वजह से मैंने वो पहले से मुझे पसंद नहीं है, तो मैं जर्सी इसकी वजह से बहुत कम रखता हूँ। हमारे पास महाराष्ट्र में भी 2-3 जर्सी है, लेकिन वो बचपन से ही छोटे छोटे बच्चे थे तब से ही है, लेकिन वो गिर क्रॉस है तो इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जर्सी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ गिर है तो गिर तो अपनी जान है, लेकिन ये जर्सी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसकी वजह से मैं जो जर्सी है वो नहीं रखता हूँ। ये भी अभी बच्चा देने वाली तो ये भी मैं सेल कर देने वाला हूँ। तो माला भाई बोले मैं संभालूंगा क्योंकि माला भाई अभी गया है कॉलेज, तो बोले मैं कॉलेज भी करूंगा इसको भी संभालूंगा, तो इसकी वजह से अभी रखा है। कॉलेज हमारी बात होगी, माला भाई को मैंने बोला कि भाई इसको सेल कर देंगे, तो माला भाई बोल रहा है रहने दे, दूध खाने के लिए रहने देंगे। तो मैंने बोला उसको कि दूध खाने के लिए अपन गिर गाय लेके आएंगे, तो वो बोले मैं लेके आऊंगा, बोले तू नासिक जा। तो यहाँ का जो पूरा काम है अभी माला भाई संभालने वाला है।
हाँ। ए बत, तो अभी मैंने इसको यहाँ पे बांध दिया है, तो ये आराम से यहाँ पे बैठ जाएंगे, क्योंकि 24 घंटे अंदर रहती है तो बोर हो जाती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे बांध दिया, तो यहाँ पे आराम से वो बैठेंगी। ये देखो ये क्या कर रहे हैं, कहाँ से आ गए ये पता नहीं। हट हट, तो अभी चलो फटाफट से नहा धो के हूँ मैं, होता हूँ रेडी और फिर निकलते हैं। तब तक जो है कि माला वे आ जाएगा, और आप देख सकते हो यहाँ पे आपने भी बहुत दिनों से देखे नहीं, यहाँ पे जो हमने पौधे लगाए थे वो भी अभी बहुत बड़े बड़े हो गए। इस साइड के जो कि गाय ने बहुत सारे खराब कर दिए, तोड़ दिए, सबसे ज़्यादा तो ये वाला जो पौधा है वो बहुत बड़ा हो गया, नीलगिरी, और ये वाला जो है कि धमा का घर, मिस यू धमा। धमा गया तब से उसमें कोई गया ही नहीं, लाला को एक दो दिन रखा था उसमें लेकिन फिर से बाहर निकल दिया। चलो तो अभी फटाफट से नहा लेते हैं, और यहाँ पे हो रहा है पानी गर्म, और ये रही हमारे बोलेरो की जगह, लेकिन बोलेरो यहाँ पे अभी नहीं है, तो मिस यू बोलेरो, क्योंकि मैंने खुद ही 12 दिन हो गए मैंने बोलेरो को नहीं देखा है, क्योंकि हमारी बोलेरो जो है वो गई है द्वारका। यहाँ से बहुत सारे भाविक भक्तों जो है वो पैदल जाते हैं होली के टाइम पर द्वारका, तो सभी पैदल गए, तो उनके साथ हमारी बोलेरो भी गई है द्वारका, क्योंकि जाते टाइम तो सब पैदल जाते हैं लेकिन आते टाइम सब उसमें बैठ के आएंगे। तो आज 12 दिन हो गए लगभग मेरे ख्याल से, हमारे बाजू का जो गांव है वहाँ से बहुत सारे लोग पैदल गए हैं, तो उनके साथ हमारी बोलेरो गई है। जाते टाइम तो सब पैदल ही जाएंगे, बोलेरो भी उनके साथ ही चलेंगे धीमे धीमे, क्योंकि उसमें कुछ पानी की बोतल होती है, तो लगभग मेरे ख्याल से आज, हाँ आज उन्होंने दर्शन कर लिया है तो फिर आज शाम तक वो आ जाएंगे। तो फाइनली जो है कि मैं नहा धो के हो गया हूँ रेडी, अभी फटाफट से जो है कि गाय को पानी पिलाते हैं, जैसे ही माला भाई आएंगे फिर तुरंत ही निकलते हैं। पिला मैंने, तो अभी जो है कि फटाफट से इसको बांध देते हैं, फिर इसको करेंगे चारा। तो अभी फटाफट से इसको चारा करते हैं, तब तक जो है कि माला भाई आ जाएंगे फिर तुरंत ही निकलेंगे। हे ला लो आए, तो फाइनल जो है कि हमारे माला भाई भी कॉलेज से आ गए हैं। चलो अभी फटाफट से करते हैं कपड़ों की पैकिंग। तो फाइनली जो है कि पूरी पैकिंग हो गई है, और अभी बज रहे हैं 1:50। वाह क्या बात है, सही सही टाइमिंग है अपना। तो अभी नहीं निकलना है, मुझे निकलना है शाम को 5 बजे। तो अभी जो है कि हमारी गाड़ी जो 12-13 दिन हो गए जो कि द्वारका गई थी, तो आज फाइनली वापिस आ गए हैं चौकड़े पे, तो सब दर्शन करके वापिस आ गए थे। अभी भी उनका कॉल आया कि भाई आप आ जाओ इधर, तो अभी पहले वहाँ पे जाएंगे, सबसे मिलेंगे, फिर जो बोलेरो है उसको लेके आएंगे घर पे। यहाँ आने के बाद जो है कि माला भाई बोलेरो भी चलाएगा, कॉलेज भी करेगा, और यहाँ पे गाय जो है वो भी संभालेगा, क्योंकि माला भाई अभी लाने वाला है 2 गिर गाय। कितने दिन में लाने वाला है? 4-5 दिन। हाँ, तो माला भाई बोले आप बोले जहाँ जाना है जा सकते हो, यहाँ का पूरा काम मैं खुद अकेला मैनेज कर लूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आप कर लेते तो मेरा यहाँ पे कोई काम है नहीं। नहलाने की उसको, तो अभी जो माला भाई है उसको नहला रहा है। माला भाई लगभग एक महीने से माला भाई जो है इस गाय की पूरी सेवा वही करता है माला भाई, और मेरी अभी तैयारी हो गई, बस मुझे निकलना ही है। और ये पौधों को पानी भी माला भाई ही पिलाता है, उसमें जो कुछ असोपाला के जो झाड़ थे वो जल गए, बाकी जो है कि कुछ बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं देखिए, लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं। क्या करा माला तू, क्या करा घड़े आ रही बोलेरो अभी तक जो है कि चौकड़ी पे है, क्योंकि उसमें बहुत सारा सामान भरा हुआ था,
तो बोले हम खाली करके बाद में आके छोड़ देंगे बोले। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मुझे निकलना था तैयारी करने से। मैंने बोला उनको कि आप खाली करके घर पे जाके छोड़ दो, तो फटाफट से हम तैयारी कर लेते हैं। बाकी पैकिंग हो गया है, देख सकते हो नासिक के लिए जाने के लिए पैकिंग हो गई। इसने कपड़ा पैकिंग कर लिया है, अभी जो है कि खाली कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, फटाफट से निकलते हैं। तो फाइनली जो है कि मैं हो गया हूँ रेडी, अभी सीधा चलते हैं नासिक। फाइनली इसने आज ही बच्चा दिया है। रात को कितने बजे दिया? 10 बजे। ओके, तो फाइनली जो है कि तुम्हारा भाई आ गया है नासिक। तो आज जो है कि पूरी रात किया है हमने सफर, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तो इसकी वजह से इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा।